मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आपको क्या करना है और आगे कौन सा रास्ता चुनना है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको स्वयं भोले शंकर ने प्रथम नागिन चुना है। आप जो कहेंगी वही अटल सत्य होगा। लेकिन नहीं, ये अपने दिल की और अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने सहज ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते। चलिए पंडित आई। नागिन, आप सतर्क रहिए, अपने आसपास सिर्फ भरोसे के लोगों को रखिए। वो नहीं जो सिर्फ दिखते हैं, बल्कि वो जो सचमुच भरोसे लायक हैं। फिर उनकी मदद से आप ये जानिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है और बुरा कौन है। क्या मतलब? ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। चलिए मेरे साथ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। थैंक यू बानी। मेरी मॉम को तुम, मतलब वो जहां थी तुम वहां से घर लेकर आई, तुम नहीं होती तो थैंक यू। तो मुझे इतना थैंक यू मत बोलो, क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे वीरांशु सिंघानिया होने पे शक होता है। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ बानी। इनफैक्ट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम फिर से मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछोगे या कोई नया चैलेंज दोगे, है ना? नहीं। पर एक मिनट, आज तुम पे मैं एक नई शराफत देख रही हूँ। तुमने मुझे घरवाली कह के नहीं बुलाया? नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें मुझसे मतलब अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकते हो। इस रिश्ते से, इस घर से मैं तुम्हें आजादी देता हूं। You're free to go. ये सब कहने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो नहीं। तुम चाहो तो ये मंगलसूत्र सिंदूर सब हटा सकते हो। बस एक चीज मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। रिश्ते की एक निशानी, इसे आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे मुझे किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। अनी, तुम आजाद हो, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। You are free to go, sweetheart. Come.
क्या नया खेल खेल रहे हो तुम रंजू? अब कोई खेल नहीं मानी। वीर, ये क्या कर रहा है तू? अभी नहीं डैड। वीर, वीर, तो तू घर छोड़कर जा रहा है? एक बात बता, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? मेरे, अपने बाप पर इतना भरोसा? रिलैक्स डैड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। पानी, तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो, या फिट को जहां कहोगी सामान भिजवा दूंगा। अब तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में जहां जाना है जा सकती हो। एक बार मेरा मन बदल गया ना, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लीजा, क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? अभी थोड़ी देर पहले तू अपने बाप पर हाथ उठाने वाला था, अभी से यहां से बाहर भेज रहा है। ये सब ड्रामे करना बंद कर दे, वरना मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगा। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से आधी नागिन हमारे हाथ आई है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, कल तक तो तू इसको हमारी मर्जी के बिना इस घर में रखने की जिद कर रहा था, और अभी से यहां से बाहर भेजने की बात कर रहा है? एक बात कान खुलकर सुन ले, ये आदि नागिन इस घर से बाहर नहीं जाएगी, और जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। इसने मेरे मोनिल को मारा है, ये यहां से जिंदा नहीं जा सकते। चाचू पानी ने मारा है, इसी ने मोनिल को मारा है, और ये बात बहुत जल्दी साबित हो जाएगी। लेकिन तब तक यहां से नहीं जाएगी। रुके। मर्जी के खिलाफ कौन नहीं रोक सकता? एक जेल तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, देखते हैं। डैड, मैं संभालूंगी इन्हें, रांचू अकेले संभालूंगी मैं। लेकिन फिलहाल मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही, क्योंकि इस घर में बहुत नाइंसाफी हुई है, सिर्फ मेरे और मेरे अपनों के साथ ही नहीं, बल्कि बहुतों के साथ। हाँ डैडी जी, जितना आपको लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जानती हूं मैं इसे। मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि मैंने हर गलत को सही कर दिया और उसे उसके किए की सजा दे दी है। फिर चाहे वो गलती करने वाला चीर इंसान या ना की क्यों ना हो। देखते हैं।